आज असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11,600 करोड़ की सौगात देंगे। कालापारा में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। गुवाहाटी में पीएम के स्वागत के लिए वेटनरी कॉलेज फील्ड को सजा दिया गया। खानापारा में हजारों की संख्या में दीयों से लिखा वेलकम मोदी जी। भारत रत्न के ऐलान पर आडवाणी ने जाहिर की अपनी खुशी, ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि सिद्धांतों का भी सम्मान। आडवाणी को मुरली मनोहर जोशी ने दी बधाई, कहा हमने 70 साल तक साथ काम किया। आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर खुशी का इजहार किया। लाल कृष्ण आडवाणी पर बोले पीएम मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर ओवैसी का हमला, कहा बाबरी मस्जिद ढहाने के आरोपी को क्यों भारत रत्न दे रही सरकार। आडवाणी को भारत रत्न देने पर तौकीर रजा की धमकी, कहा हमारे नौजवान कंट्रोल से बाहर हुए तो होगा जंग का माहौल। अखिलेश यादव ने आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा का पर बड़ा बयान दिया, कहा यह सम्मान में नहीं बल्कि वोट साधने के लिए दिया गया। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम फैसले का स्वागत करते हैं। काशी के संतों ने फैसले का स्वागत किया, राम जन्मभूमि आंदोलन में आडवाणी की भूमिका को सराहा गया। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को नहीं मिल पाई राहत, 5 दिन तक ईडी की हिरासत में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन मामले में एक और गिरफ्तारी, ईडी ने भानु प्रताप को किया गिरफ्तार, कल पीएमएल कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस का नोटिस मिलने पर अरविंद केजरीवाल का तंज, का पुलिस से अपराध रोकने के बजाय नौटंकी करवाई जा रही। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने ईडी में दर्ज करवाई शिकायत, 7 फरवरी को होगी सुनवाई, केजरीवाल पर समन को नजरअंदाज करने के आरोप है। सीएम केजरीवाल के स्टाफ को क्राइम ब्रांच ने थमा दिया नोटिस, 3 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। आवास पर सीएम केजरीवाल ने नहीं दिया नोटिस, क्राइम ब्रांच को 5 घंटे तक करना पड़ा इंतजार, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है ये। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने दिल्ली पुलिस को नोटिस मिलने की पुष्टि कर दी है, पुलिस को एक आधिकारिक रिसीविंग भी मिल गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अब केजरीवाल के खिलाफ रची जा रही साजिश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, बोली विपक्ष को परेशान कर रही सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, सबका सत्यानाश किया। झारखंड में राहुल गांधी के सामने लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वीडियो किया पोस्ट। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, बिहार के सियासी हालातों पर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल की न्याय यात्रा को बताया न्याय यात्रा, ये भारत जोड़ने को नहीं बल्कि भारत तोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। INTIA गठबंधन पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा हमला, बोला कहा कि गठबंधन का अवैध ढांचा लगातार टूट रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, आज से 11 फरवरी तक चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल लोकसभा में भाषण, बीजेपी के सभी सांसदों को संसद में रहने का निर्देश। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी सौगात, संबलपुर में 68,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, पुरी से सोनपुर के बीच चलेगी ट्रेन। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में 6 फरवरी को पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, सीएम धामी ने कैबिनेट से दी यूसीसी के ड्राफ्ट की अनुमति। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर प्रहार, कहा अयोध्या में भगवान राम और कन्नौज में आंबेडकर का विरोध करती है सपा। सीएम योगी को मुस्लिम युवक ने सुनाई रामचरितमानस, सीएम ने खुश होकर थपथपाई पीठ। संत कबीर नगर में सीएम योगी के मंचलों को नसीहत, अगर बेटी को छेड़ा या कोई अपराध किया तो अगले चौराहे पर राम नाम सत्य हो जाएगा। शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ से मिले सीएम शिंदे, अस्पताल पहुंचकर जाना हाल, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। ज्ञानवापी के बाद ताजमहल को लेकर विवाद तेज, सालाना उर्स के आयोजन को लेकर कोर्ट ने समिति को नोटिस भेजा, अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर नोटिस जारी हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध हलचल के बाद सेना ने की फायरिंग, LOC पर हाई अलर्ट। संभल से अयोध्या रवाना हुए 5,000 भक्त, गूंजे जय श्री राम के जयकारे। पश्चिम बंगाल के मालदा में सीमेंट फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी है वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन लाखों के नुकसान की जानकारी आई। हिमाचल में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी, 4 से ज्यादा हाईवे किए गए बंद। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 4 से 5 फरवरी तक बर्फबारी के आसार, संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 48 घंटों में होगी बरसात और बर्फबारी, सावधानी बरतने की हिदायत।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी स्तर के बाद बर्फ हटाने के लिए किया गया काम। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में भारी बर्फबारी जारी, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ, दिखा खूबसूरत चारों तरफ नजारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी का दौर जारी, बड़ी संख्या में पर्यटकों को आनंद लेते नजर देखा गया। कश्मीर में शून्य से नीचे तापमान दर्ज, पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी। माँ वैष्णो देवी के धाम में हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका माता वैष्णो देवी का मंदिर। हिमाचल में बर्फ की चादर से ढके पहाड़, अटल टनल के पास वाहनों की आवाजाही बंद हुई। दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हल्की फुल्की बरसात, तापमान में गिरावट आई है। कन्नौज में तिरुवा मेडिकल कॉलेज का बदला जाएगा नाम, सीएम योगी ने लगाई मुहर। बाराबंकी में अखिलेश यादव ने दो टॉपर बच्चों को करवाई हेलीकॉप्टर की सैर, अखिलेश ने फोटो की शेयर। यूपी के हल्द्वानी से खबर, जहां मदरसे और अवैध नवास स्थल पर चलेगा बुलडोजर, नगर निगम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को नोटिस किया था जारी। बिजनौर में पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, पुलिस महकमे में हड़कंप, तलाशी जारी। जालौन में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार, पैसों का लालच देकर करवाते थे धर्म परिवर्तन। माफियाती कैमर की नोएडा में बनी करोड़ों की कोठी, मन्नत कुर्क हुई है, असद और शूटर गुलाम असीब बंगले में रह रहे थे। बिहार के दागलपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में लोगों की मौत, कई घायल। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराई, युवक की मौत। एमपी के मांडला में साइबर ठगों ने युवक से ठगी की, पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया। अयोध्या में 165 एकड़ में यूपी का पहला सोलर प्लांट बनकर तैयार, इस प्लांट में 7,65,00,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। राजस्थान की जहाज को ट्रेलर के केबिन में आग लग गई, कड़ी मशक्कत की बारिश पर काबू पाया जा सका। एमपी के कटनी में रेलवे स्टेशन पर गांजा की तस्करी, जीआरपी ने दो युवकों को गिरफ्तार किया, 4,00,000 की बताई जा रही कीमत। यूपी के आसमगढ़ में चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार किया, अवैध तमंचा मिला है, 5 बाइक मिली है। आसमगढ़ में शादी से इंकार करने पर युवती की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चंदौली में नकली नोट के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई, 81,000 के नकली नोट मिले हैं। यूपी के मऊ में नशे में धुत बेटे ने की पिता की हत्या, चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 3 तस्कर किए गिरफ्तार, 30 गौवंशों को किया बरामद। कैथल में नशे की हालत में महिला से रेप हुआ, फिर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाई पर जानलेवा हमला, घटना में परिवार के 2 लोग घायल हुए। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन, 171 रन से आगे है टीम इंडिया। भारत के लिए यशस्वी ने खेली शानदार पारी, 290 गेंदों में बनाए 209 रन। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक जड़ने वाले तीसरे युवा भारतीय, 396 रनों पर सिमटी भारत की पहली पारी। भारत के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने की बेहतरीन गेंदबाजी, 6 बल्लेबाजों को आउट किया, कुलदीप ने झटके 3 विकेट। आज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पर रहेंगी सभी की निगाहें, दूसरी पारी में दोनों बल्लेबाजों के बीच 28 रन की साझेदारी हुई है अब तक। तीसरे टेस्ट से भी बाहर हो सकते रविंद्र जाडेजा, 15 फरवरी से शुरू होगा ये मुकाबला। विराट कोहली दूसरी बार बने वाले पिता, डिविलियर्स ने जानकारी दी, कहा दूसरे बच्चे के कारण विराट परिवार के साथ है। जीन